देखिए, पूरी दुनिया में भारत को इसकी प्रजातंत्र के लिए जाना जाता है। कहते हैं कि भारत की प्रजातंत्र सबसे ज़्यादा मजबूत है, पुरानी है और निष्पक्ष है। प्रजातंत्र का मूल आधार प्रश्न पूछना होता है। अगर चुना हुआ सांसद सदन में खड़े होकर प्रश्न नहीं पूछेगा तो फिर करेगा क्या? आज ये देश का दुर्भाग्य है और देश के इतिहास में शायद पहली बार हुआ है कि 100-150 सांसदों को एक साथ प्रश्न पूछने के कारण निलंबित कर दिया गया। और उनका प्रश्न क्या था? प्रश्न ये था कि सदन की सुरक्षा में जो चूक हुआ है, और एक चीज ध्यान में रखिए कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार पहले थी तो पहले भी एक बार सदन में हमला हुआ था, आज फिर जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार है फिर से सदन में हमला हुआ है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, उन लोगों को जिन्होंने सदन पे हमला किया या इंट्रूड किए, घुसे, उनको लेकर कौन आया? भारतीय जनता पार्टी के एक सांसद अपनी गाड़ी में बैठाकर उनको लेकर आए। तो इतनी भारी चूक हुई है। इतनी भारी चूक होने के बाद गृह मंत्री जी का, प्रधानमंत्री जी का इतना तो दायित्व बनता है ना कि वो सदन में आकर इसका जवाब दे। अगर सदन में ये उत्तर नहीं देंगे, जवाब नहीं देंगे, तो फिर किस चीज के लिए पद पर आए हैं? मेरा ये मानना है कि देश आज थक चुकी है इनसे। देश के जो प्रमुख मुद्दे हैं, बेरोजगारी है, महंगाई है, भ्रष्टाचार है, चारों तरफ बढ़ा हुआ है। अब सारे विपक्षियों को, विपक्षी दलों को और हर उस व्यक्ति को जो इस देश से प्यार करता है, इकट्ठे होना है। इकट्ठे होकर नरेंद्र मोदी जी की सरकार को हटाना है, भाजपा की सरकार को हटाना है। यही एकमात्र मकसद है।